वेलकम यू ऑल इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्लेलिस्ट। आज हम बात करने वाले हैं कि प्रोबेबिलिस्टिक रीजनिंग की आखिर क्या जरूरत पड़ गई जब हमारे पास सर्टेनिटी थी। तो देखिए, अनसर्टेनिटी एक ओनली रीजन है जिसके कारण हमें प्रोबेबिलिस्टिक रीजनिंग की जरूरत पड़ी, अदरवाइज हमारे पास नॉलेज रीजनिंग जो थी ना। तो देखो, अनसर्टेनिटी क्या होता है पहले डिस्कस करते हैं। ये जानते हो आप, ए बिलोंग्स टू बी, इसका अर्थ यहाँ पर है कि अगर ए ट्रू है तो बी भी ट्रू है, यही चीज़ मैंने यहाँ पे लिखी है। तो इन सिचुएशन में क्या अपन सर्टेन है, कॉन्फिडेंट है कि ए ट्रू ही है। लेकिन क्या हो अगर अपन कॉन्फिडेंट ना हो, कि हम नहीं जानते कि ए ट्रू है कि फॉल्स है, हमें नहीं पता, तो इस सिचुएशन को बोलते हैं अनसर्टेनिटी। ठीक है, अनसर्टेनिटी कहते हैं, राइट। तो अब इसके कारण अगर अपन रियल लाइफ में देखें मशीनरी में, तो क्या हो सकते हैं अनसर्टेनिटी, क्या होता है अनवांटेड इवेंट्स अकर हो जाना। ठीक है, तो लाइक उसी तरह ये भी कि द इन्फॉर्मेशन अकर्ड फ्रॉम अनरिलायबल सोर्स, किसी भी सोर्स के कारण इन्फॉर्मेशन आ गई या एक्सपेरिमेंटल एरर्स आ गई। ठीक है, इक्विपमेंट फॉल्ट हो जाती है, टेम्परेचर वेरिएशन के कारण हो जाता है मशीन में, क्लाइमेट चेंज भी इसका एक रीजन हो सकता है मशीन के अंदर अनसर्टेनिटी का, राइट। अब बताता हूँ मैं प्रोबेबिलिस्टिक रीजनिंग आखिर होती क्या है जब हमारे पास अनसर्टेनिटी का आइडिया मिल गया। अब देखिए, इट इज़ द वे ऑफ नॉलेज रिप्रेजेंटेशन टू वेयर वी अप्लाई कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोबेबिलिटी टू इंडिकेट द अनसर्टेनिटी इन द नॉलेज। नॉलेज के अंदर अनसर्टेनिटी को इंडिकेट करने के लिए ये कॉन्सेप्ट है, कौन सा, प्रोबेबिलिस्टिक रीजनिंग। ठीक है, तो वी कंबाइन प्रोबेबिलिटी थ्योरी विथ लॉजिक टू हैंडल अनसर्टेनिटी। अनसर्टेनिटी को हैंडल करने के लिए हमने क्या बनाया, प्रोबेबिलिस्टिक रीजनिंग। ठीक है, तो वी कंबाइन द प्रोबेबिलिटी थ्योरी विथ लॉजिक टू हैंडल द अनसर्टेनिटी, राइट। आगे बढ़ते हैं, तो आखिर क्या उपाय है, क्या सोल्यूशन है ताकि अपन प्रॉब्लम्स को सोल्व कर सके प्रोबेबिलिस्टिक रीजनिंग के अंदर। तो देखिए, दो ही है इसके रास्ते, एक तो है बायस रूल, एक है बायंसिंग स्टैटिस्टिक्स, जो आप जानते हो इसको बायंसियन नेटवर्क से आपने काफ़ी पढ़ा होगा, एयरपोर्ट लाइन एयरलाइन में बहुत काम आता है बायंसिंग नेटवर्क, तो अपन अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। फिलहाल अपन बात कर लेते हैं प्रोबेबिलिस्टिक रीजनिंग। प्रोबेबिलिस्टिक से नाम आता है प्रोबेबिलिटी, जो अपन पढ़ते आ रहे हैं बचपन से। प्रोबेबिलिटी की अगर नॉर्मल अपन डेफिनेशन देखें तो क्या होता है, कोई भी चांस होता है कि अनसर्टेन इवेंट अकर हो जाए, वही तो प्रोबेबिलिटी होता है। ठीक है, तो नीचे ऊपर तो अपना अनसर्टेन चांस आ जाता है, नीचे टोटल आ जाता है, ये अपन पढ़ते आ रहे बचपन से। अब ये जीरो से वन के बीच में लाई करती है, जो अगर आपकी पी ऑफ ए की वैल्यू जीरो हो जाती है तो अनसर्टेनिटी है, वन हो जाती है टोटल तो सर्टेनिटी है। इसका अगर इम्प्ली इसका नेगेशन ले लेते हैं और उसको उससे ऐड कर देते तो वैल्यू वन ही आती है, इस चीज़ का ध्यान रखना आप बस। अब मैं बात करता हूँ कि अपना जैसे नॉर्मली अपन फॉर्मूला लगाते हैं, अब ये वो फॉर्मूला है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का, जिसके अंदर आपकी जॉइंट प्रोबेबिलिटी आती है नीचे, अगर आपका ए बिलोंग्स टू बी है या ए डिपेंडेंट बी है तो बी आ जाता है, और बी डिपेंडेंट ए है तो ए आ जाता है। ठीक है, तो ये आपका जॉइंट प्रोबेबिलिटी है जो आपके क्वेश्चन में गिवन होगी, ये भी गिवन होगी, आपको ये पूछेगी और आप फॉर्मूला से आसानी से सोल्व कर सकते हो। आई थिंक आपको आइडिया हो गया होगा व्हाट इज द प्रोबेबिलिस्टिक रीजनिंग, अनसर्टेनिटी क्या होती है, प्रोबेबिलिटी कैसे सोल्व की जाती है इसके अंदर। सो थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो प्लेलिस्ट। आपको अगर पीडीएफ चाहिए तो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से जाकर आप प्लेलिस्ट ले सकते हैं, और सॉरी पीडीएफ ले सकते हैं, आपको पीडीएफ मिल जाएगी वहाँ पर। सो जय हिंद जय भारत, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ।